सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द इनफिनाइट लूप। माय नेम इज सुमित एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट एक्सेंचर। सो इस वीडियो का थंबनेल लेके आप समझ ही करेंगे, ये वीडियो होने वाले एक अनबॉक्सिंग के रिलेटेड, जो कि मुझे एक्सेंचर का लैपटॉप आया था उसका। आई नो कि वीडियो में थोड़ा लेट शेयर कर रहा हूँ, इसलिए लेट शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उस समय मुझे लगा नहीं था कि ये थोड़ा यूजफुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। बट फिलहाल मुझे काफ़ी सारे फ्रेशर्स के DMs आने लगे रिलेटेड टू लैपटॉप। सो वो क्वेश्चन जो मुझे पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चंस में ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चंस क्या है एक बार हम पढ़ लेते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच लैपटॉप यू गॉट, हाउ टू कॉन्फिगर द न्यू लैपटॉप, हैव यू गॉट द हेडसेट अलॉन्ग विद द लैपटॉप, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट द लैपटॉप, व्हाई दे सेंड टू लैपटॉप टू वन कैंडिडेट, इज योर लैपटॉप कीबोर्ड हैज़ बैकलाइट, एंड व्हाट इज़ द रैम साइज एंड व्हाट इज़ द स्टोरेज ऑफ योर लैपटॉप। सो ये सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाला हूँ ये वीडियो के अंदर अलॉन्ग विथ मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आप अनबॉक्सिंग वीडियो थोड़ा देख सकते हैं, देन अपन कंटिन्यू करते हैं वीडियो में। सो लैपटॉप के साथ मुझे मिला था ये एक चार्जर मिला था, यूज़र मैनुअल था और एक हेडफोन था। सो ये हेडफोन जैब्रा कंपनी का है। इसे मैं फिलहाल यूज़ नहीं किया हूँ, ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा हो गया जब से आया तब से मैंने इसको एक भी बार यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे सीक्रेट सेंटा में ऑलरेडी एक बोट का हेडफोन मिल गया था, फिलहाल उसको यूज़ कर रहा हूँ। बट ये काफ़ी कूल है यूज़ करने में भी, और जैब्रा कंपनी का भी है। लेकिन इसका एक ये है कि ये USB केबल टाइप में है, तो हम खाली अपने को लैपटॉप या फिर PC में यूज़ कर पाएंगे, बाकी कहीं नहीं यूज़ कर पाएंगे। ये यूज़र मैनुअल है। ये यूज़र मैनुअल आपको अपना सिस्टम बूट करने में हेल्प करेगा, आपका यूज़र का क्रेडेंशियल्स वगैरह यही सब आपके यूज़र मैनुअल में रहेगा। तो आप इसके सेकेंड पेज पर जाओगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड दिया गया रहेगा, वो पासवर्ड आपको फर्स्ट टाइम यूज़ करना है सिस्टम जब आपका स्टार्ट होगा वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद। तो पासवर्ड डालने के बाद आपका सिस्टम काफ़ी बार रिस्टार्ट होने वाला है, तो उसे रिस्टार्ट होने दो। बाकी आपका टीम्स और आउटलुक आपका स्टेबल होने में आपको 5 से 6 दिन चले जाएगा कंप्लायंस चेकिंग के बाद, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको टीम्स एंड आउटलुक का एक्सेस मिलेगा, तब तक आपको मिलेगा नहीं। और जब तक ये अपना सिस्टम बूट होता है रिस्टार्ट होता है उसे होने दो, उसके बाद कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये रहा फिलहाल, ये सब चीज़ था और मैंने लैपटॉप लाना ही भूल गया। चलिए लैपटॉप लेके आ जाते हैं। ये आ गया अपना लैपटॉप। ये लैपटॉप काफ़ी लाइट वेट है, एंड ये लैपटॉप का सीरीज़ का नाम है डेल लैटिट्यूड 3420, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये बाकी इसके बैक साइड में ये भी प्लास्टिक का है, फ्रंट भी प्लास्टिक का है, इसलिए थोड़ा लाइट वेटेड है। और यहाँ पे सब कुरियर एड्रेस है कहाँ से ये आया है वगैरह वगैरह, और यहाँ पे आपका सीरीज नंबर रहेगा आपके बैक साइड पे। और ये रहा लैपटॉप, और बाकी इसके अंदर बाकी पोर्ट्स वगैरह है, 2 USB पोर्ट्स है, एयरफोन है, और बाकी अपना केबल्स वगैरह के लिए दिया गया है। और ये इंटेल i5 है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, मतलब दिखने में भी लुक काफ़ी अच्छा है इसका। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसके अंदर कीबोर्ड लाइट है कि नहीं, तो इसके अंदर कीबोर्ड लाइट है, तो आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लेना, इसका एक शॉर्ट देख के देख लेना आप। बाकी काफ़ी स्लिम और लाइट वेट लैपटॉप है एज यू कैन सी, और ये आई थिंक 180 डिग्री भी पूरा जा भी रहा है, आप देख सकते हो पूरा स्ट्रेट हो गया है, 180 डिग्री पूरा ऑलमोस्ट है, ठीक है। काफ़ी लाइट वेट है और हैंडी करने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको, ठीक है, ओके। इसका मैं एक अभी आपको वीडियो दिखा देता हूँ और इसका पूरा ओवरऑल स्पेसिफिकेशन क्या है लैपटॉप का, ठीक है, और बाकी फिर अपन कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन जो भी मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, अपन वो कंटिन्यू करने वाले हैं। Bye.
सो चलिए फटाफट मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ जो मुझे पूछे गए थे क्वेश्चंस सबके लैपटॉप के रिलेटेड. सो पहला क्वेश्चन है, विच लैपटॉप यू गॉट. सो मुझे मिला है डेल लेटिट्यूड 3420. ठीक है, हाउ टू कॉन्फिगर द न्यू लैपटॉप. तो लैपटॉप कॉन्फिगर कैसे करने में प्रीवियसली अभी आपको बताया, तो आप देख सकते हो. हैव यू गॉट द हेडसेट अलॉन्ग विद लैपटॉप. यस, मुझे हेडसेट मिला है, जेब्रा कंपनी का है, बट मुझे इसका प्राइस नहीं पता है. तो आप मुझे प्राइस बता सकते हैं, मैं इसका आपको वीडियो दिखा दूंगा, आप वीडियो देख कर प्राइस मुझे बता सकते हैं. अगर आपको पता होगा तो गेस कर सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट डिलीवर द लैपटॉप. सो इसमें मिनिमम 6 डे लगता है. सो आपके ज्वाइनिंग के पहले भी आपको एक फॉर्म दिया जाता है, तो फॉर्म में भी आपको डिटेल्स भरना पड़ता है. तो उसका तो आपके ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद भी आ सकता है, या फिर ज्वाइनिंग डेट को भी आ सकता है. फिर मेरे केस में कैसा हुआ था, जो मेरा फॉर्म था, पर्टिकुलर फॉर्म था, एसेट डिलीवरी का फॉर्म, वो मेरा फॉर्म में मेरा ईमेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. इट वॉज शोइंग मी एज अ नॉन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. सो मेरे ज्वाइनिंग के डे फिर मैंने अपने जो एचआर से मैंने बात किया, फिर उन्होंने मैंने बताया कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है. तो उन्होंने मैनुअली मेरा एड्रेस लिया और बाकी अप्लाई कर दिया डिलीवरी के लिए. सो ये विद इन 7 डे मुझे आ गया था, लैपटॉप का डिलीवरी हो चुकी थी. ठीक है, सो वाई दे सेंड 2 लैपटॉप टू द 1 कैंडिडेट. सो इसका ये आंसर है कि 2 लैपटॉप इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि एक ही अपना एक्सचेंजर का रहता है, जो सेकेंड लैपटॉप रहता है वो क्लाइंट का रहता है. अगर इफ़ यू आर वर्किंग फॉर क्लाइंट देन यू विल गेट अनदर लैपटॉप, एंड इन सम केसेस वो लोग वीडिया भी प्रोवाइड करते हैं. तो आपको अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपको वीडिया पे भी काम करना पड़ सकता है, या फिर आपको अलग से एक लैपटॉप भी क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं. सो इसलिए 2 लैपटॉप आपको मिलते हैं, एक एक्सचेंजर का और एक क्लाइंट का. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ योर लैपटॉप कीबोर्ड हैज़ बैकलाइट. सो मेरे कीबोर्ड में है बैकलाइट. एंड व्हाट इज़ द रैम एंड स्टोरेज इन योर लैपटॉप. सो मुझे 8 GB का रैम मिला है. एक डेवलपर को 8 GB रैम इनफ रहता है, ठीक है, मिनिमम. और स्टोरेज है मेरा 256 स्टोरेज है. ठीक है, सो ये ओवरऑल क्वेश्चंस मैंने कवर किए. और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, और कुछ वीडियो रिकमेंड करना चाहते हो तो अभी बता सकते हो. बाकी मैं इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो. ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो. और अगर आपको भी वेलकम किट नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कितना महीना हो गया ज्वाइन किए और आपको अभी तक वेलकम किट क्यों नहीं आई. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.